एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। जिंदगी ये वो टेढ़ी खीर है जो आसानी से नहीं पकती। हम क्या क्या नहीं करते हैं ताकि इसका रंग निखरा रहे और इसका मजा कभी किरकिरा ना हो। पर क्या सब कुछ हमारे हाथ में होता है? शायद। भगवान जी, ये सब तो चलता ही रहेगा, पर आपको तो मेरा असली मकसद पता है ना? जिंदगी की दौड़, इसे किस तरफ ले जाएं, इसकी क्या रफ्तार हो, हमें इन चीजों का सबसे बड़ा एहसास शायद पहली बार तब होता है जब हम और आप अपनी कॉलेज लाइफ की आखिरी सीढ़ी पर होते हैं। अरे, आरबीआई के गवर्नर कौन है? बी सुब्बाराव। बी सुब्बाराव या डी सुब्बाराव? डी सुब्बाराव। तुम सही कह रहे हो वर्षा। देखना, ये तो वो जरूर पूछेगा। हाँ। बस करना आगे, पता नहीं यार, मैं भी कंफ्यूज हूँ। जॉब लगने के बाद भी ना पढ़ता ही रहेगा। सब साले ऐसे दिख रहे हैं जैसे धुलाई से पहले घबराए हुए गधों का झुंड। कपिल, कुछ माइंड मेकअप करके आए हो या नहीं यार? प्लीज, ये सिंगिंग का भूत ना निकालो अपने सर से। लाइफ में सेटल होने की सोचो, सीरियस हो जाओ। यार, शादी कर लूँ उससे, कल सेटल हो जाऊंगा। ओहो, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल यार। अच्छा है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, होती भी ना छोड़ देता, मगर उसके कहने पे बैंक ज्वाइन तो नहीं करता। अरे, ये भी कोई जगह है काम करने की? ऐसा कुछ नहीं है, डोंट बी सीरियस। व्हाट? तू अपने चक्कर में ना इसे भी बैंक में फंसा रही है। ख्वाबों का आशियां हकीकत में कर दूं, मेहनत का चोला पहनने तो दो। वाह, अभी तो ढूंढा है मंजिल का रास्ता, कुछ फासले कम करने तो दो। वाह 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 वाह, कितनी लेट कर दी। अबे साले, हमें नसीहत दे रहा है और खुद भाग जाएगा अमेरिका। अमेरिका नहीं यार, फिलहाल ये आइडिया ड्रॉप कर दिया मैंने। रियली? वाओ, क्यों? जाओ अब्रॉड, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कुछ भला हो। शट अप यार मोना, तू खुद में इतनी शार्प और स्मार्ट है, फिर ये बेकार की अपॉर्चुनिटीज़म का ड्रामा क्यों करती हो? नहीं नहीं गाइस, गाइस आरके लिसन, सुनना, मुझे पता है कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीरो माइल्स पे खड़े, जीरो माइल्स पे, और अब शुरू होगी असली रेस। कूल। फ्यूल बनने के सपने क्यों देख रहा है दोस्त? गड्डी कितनी भी महंगी हो, तू 70 का लीटर ही बिकेगा। बैंकर दिन में अंबानी की तरह बातें करते हैं, 400-500 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो हर बैंकर डेली किया करता है, मगर शाम होते ही उसकी अपनी जेब। तो क्या पॉलिटिक्स से जाने कर लूं? अबे साले, चुप। ये सही है साले। वाओ, तुम्हारा कॉल आ गया। ऑल द बेस्ट कपिल। ऑल द बेस्ट यू। किल इट। यस, किल इट। कपिला, कपिला रुक। क्या हुआ आरके? पीछे से आवाज नहीं लगाते। वही आवाज लगाएगी,
मई आवाज लगाएगी नहीं तो उसकी इंटरव्यू में लग जाएगी। पर क्यों? तुमने जो किस किया हाँ? उसे क्यों नहीं आए किस किस दिया पिंकी गया कपिल लगता है मिस्टर कपिल को बैंक में नहीं किसी अंडरगारमेंट की कंपनी में जॉब चाहिए। प्लीज आपके चेहरे पे जो लिपस्टिक के निशान है ना उसे वाइप कीजिए। सॉरी मैम। सो मिस्टर कपिल वुड यू बी इन पोजिशन टू टेक ओवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर मे बी इन अबाउट 20 years पर तब तक तो आप MD बन गए होंगे और मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर आप मुझे अपना एक लॉयल लेफ्टिनेंट बनने लायक समझे। नाउ टेल मी अबाउट योर हॉबी। सर आई लव क्रिकेट। अच्छा तो बताइए चेतन भगत ने वनडे क्रिकेट में कितने सेंचुरी बनाए? शायद 10 नहीं सर 16। सर मेरी माँ का सपना है कि मैं बैंक ज्वाइन करूँ। लकी होना ज्यादा जरूरी है या स्किल्ड होना? लकी होना ज्यादा जरूरी है सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एट द राइट प्लेस द राइट टाइम। 15 सर। सर बैंक मेरा पैशन है। शादी करने के लिए? RBI का गवर्नर कौन है? डी सर ये मेरी हॉबी है पैशन थोड़ी है। दिन में नोट गिनने को मिलेगा। मेरे सारे दोस्त बैंक ज्वाइन करेगी तो मैं भी करेगी। I will never look for a peak, but a continuous and unending growth. What's your strength? I go to gym daily. Sir, financial structures को करीब से देखना चाहता और उसके लिए bank से better और क्या हो सकता है? कैसा रहा मुकेश? परवेज मेरे भाई, जहाँ कोई expectation ना हो ना, वहाँ सब कुछ अच्छे ही होता है। बात सही कह रहा है। अच्छा guys, listen. मोना में ना काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। क्या बात कर रही हो? ये 20 मिनट बिठाया। 20 मिनट? हाँ पर गाइस पता नहीं मेरा होगा या नहीं, पर अगर हो गया ना तो मेरी माँ के लिए मेरी तरफ से सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। मैं अपने गांव की पहली लड़की होंगी जो जॉब करेगी। आसाम में ब्यूटी, बैंक में ड्यूटी। कसाई गोश्त देखकर बकरे खरीदता है और बकरे साले हरियाली देखकर खुश होते हैं। उन सालों को ये नहीं पता कि हरियाली के बाद हलाली भी होगी। परवेश तुम हमेशा नेगेटिव बात ही क्यों करते हो? मोना तुझे क्या हुआ? नथिंग यार, बट आई विश मेरे पास भी तेरी तरह कुछ कहने को होता। मेरे मॉम डैड तो डिवोर्स के बाद भी लड़ने झगड़ने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। दे डोंट केयर कि मेरे सपने क्या हैं या मेरे लिए उनके सपने क्या हैं। hey, I'm with you ना। मैं तो आज तक बैंक में एक डी नहीं बनाई। अबे साले कुछ भी बोलता है। आ गया हीरो। क्या ले आया? मेरा फेवरेट। ये लो भाई ये लो बुक कर सब। अबे साले पहले जॉब लगेगी तब तो डेडे बनेगी। अयो रामा, जब भी बैंक डेडी बनवाने गई 4 फॉर्म रफ करती, फिर एक फॉर्म सही भरती। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड लगती। और आज देखो कैंपस में आई भी तो बैंक गॉड मेरी हेल्प करना, मैं रफ करना छोड़ देगी। क्या हो गए भैया?
मौसम में मस्ताने हम हैं, हम बेफिक्र हैं, बेगाने हम हैं। चस्का लगा है मुझे बुलग बुलगा, खुद में ही देखा तो मैं खाने हम हैं। मेरा सिलेक्शन नहीं हुई। सिलेक्शन? क्या रिजल्ट आ गया? हुआ होगा यार। चलो मैं देख के आती हूँ। चल 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 चलो। ओए, तू तो लकी है, बच गया साले। तू यार हर बात को मजाक में मत लिया कर। अबे तेरे फादर तो बिजनेसमैन है, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? छोड़ ये जॉब सब का चक्कर। आजकल घर के अंदर कुत्तों को एंट्री मिल जाती है। हम दोनों सेलेक्ट हो गए। बोला था ना, बोला था ना, सिलेक्शन हो गया। देख, ड्राइवर तू बस का हो या ट्रेन का, कहने के लिए दोनों ड्राइवर ही होते हैं। जॉब मींस गुलामी। गुलामी, और किसी का गुलाम होकर तुम अपने तरीके से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। परवेज, नॉट अगेन। तुम कुछ भी कहो, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत 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 बहुत। आरके, टेंशन मत ले, जाने भी दो इन सबको, कुछ दिन बाद पता चलेगा कौन सस्ते में छूटा है। चल कर आरके। परवेज यार, मैंने तो सोचा था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे भी ऐसा लग रहा था। So proud of you my son. मैं पहले से ही जानता था। अरे सिलेक्शन मेरे बेटे का नहीं होगा तो और किसका होगा? सब कुछ बड़ा ही स्ट्रेंज, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। Do you think I can survive this? Absolutely. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम जब काम करोगे तो अपनी इमेज हमेशा दूसरों से अलग रखने की कोशिश करना। I wish of that. But dad, I hope कि मैं आपकी सारी expectations fulfill कर पाऊँ। चलो dad, रखता हूँ। Got to go. Okay? See you and take care. Hey, gorgeous. Dad का call था। I know that. चलो सब ठीक हो जाएगा। चले? ऐसा करिए, आप सब लोग अपने नाम से पहले किसी एक मूवी का नाम जोड़ दीजिए और फिर आपके साथ वाला आपकी मूवी और आपके नाम से पहले अपने नाम को जोड़ेगा और ये चेन इसी तरह चलती रहेगी। तो गाइस स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। आप? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिल चाहता है दीपक। ओके। आप? दिल चाहता है दीपक, इशकजादे, इशिता। आप? सर, दिल चाहता है दीपक, इशकजादे, इशिता, मोहब्बत मुकेश। सर, मोहब्बत मुकेश, मैंने प्यार किया मोना। आप? इशकजादे, सॉरी सर, दिल चाहता है दीपक, इशकजादे, इशिता, मोहब्बत मुकेश। गोपाल।
कामाशूत्र कपिल। मैंने प्यार किया मोना एंड कामाशूत्र कपिल, प्यासा साउंड पिंकी सर, थैंक यू। वेल डन, बहुत अच्छा। आइए मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है पहली स्लाइड। यस, इसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से हमारा बैंक 1990 में स्टार्ट हुआ और 2012 तक पहुंचते पहुंचते किस तरीके से ग्रोथ किया। इसमें कुछ आंकड़े हैं, अगर उन्हें आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ग्रोथ रेट क्या रहा। एंड सेकंड स्लाइड, देखिए किस तरीके से हमें अपने कस्टमर्स से डील करना है, किस तरीके से हम उन्हें अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से उन्हें अपने बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कन्विंस करना है। एक जरूरी बात फ्रेंड्स, अगर आपको 1 लाख इनकम का टारगेट अचीव करना है और आप नहीं कर पाए तो आपको रेटिंग मिलेगी सी। अपना टारगेट 100% अचीव कर पा रहे हैं तो आपकी रेटिंग होगी बी। और अगर आपने 150% या उससे ज्यादा टारगेट अचीव किया है तो फ्रेंड्स आपकी रेटिंग होगी ए। और ये ए रेटिंग आपकी सैलरी तो बढ़ाएगी ही, साथ में आपको ज्यादा बोनस भी दिलाएगी। एनी क्वेश्चन? 1 question सर। यस प्लीज। मान लीजिए मेरा टारगेट है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना और मैं चढ़ जाता हूँ तो मैंने 100% तो अचीव कर लिया। अब ये समझ में नहीं आता है कि 150% अचीव करने के लिए मैं ऊपर से कूद जाऊँ। फ्रेंड्स द ट्रेनिंग इज ओवर एंड टुमारो एट 9 AM यू हैव टू रिपोर्ट टू योर बॉसेस एंड मिस्टर गजनी, आपका ये जो जीनियस क्वेश्चन है ना, ये कल आप अपने बॉस से पूछिएगा, शायद वहां आपको इसका सही जवाब मिल जाए। सॉरी सर। इट्स ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एग्जैक्टली, मजा आया ना आज? बहुत यार, बहुत। गाइस, ये आज ट्रेनिंग सेशन के वाइब से लगा कि बैंकिंग जॉब बढ़िया है। एग्जैक्टली, सैलरी भी ठीक ठाक दे देते हैं। शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यार, तुम लोग करियर बनाने आए हो या शॉपिंग के लिए पैसे जुटाने? ऑफ कोर्स बोथ। हाँ हाँ, पता है हमें तुम दोनों का प्लान। अच्छा बेटा मुकेश, इस चांटू मोना से ना जरा बच के रही हो, कपिल इसका असली करियर तो तू है। इधर खाता खुला या नहीं? अच्छा मोना, तुम प्यार करती हो ना मुकेश से? नहीं। क्या? ऑफ कोर्स करती हूँ यार, तुझे पता है वो अगर मुझसे 1 मिनट भी दूर रहता है ना तो मुझे लगता है मेरी खुशी मुझसे दूर हो गई, पर इस बात का एहसास मैं उसे नहीं होने देती। तुझे पता है मुकेश 2 ही चीज़ों से प्यार करता है, एक तुझसे और दूसरा तेरे सपनों से। मुझे उस पर उतना ही भरोसा है जितना कपिल पे। अगर कपिल मुझे आज शादी करने के लिए कहे ना तो मैं कर लूँगी। तुझे बहुत जल्दी है ना कपिल से शादी करने की? और नहीं तो क्या। अच्छा सुन, हाँ नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है या, और मैं सोच रही हूँ उसी दिन उससे शादी की बात भी कर लूँ। वाह, दैट्स अ गुड आइडिया यार, दिस विल बी बेस्ट सरप्राइज फॉर हिम। गाइस चलो चले। तुम काहे इतने टेंशन लेते हो यार? टेंशन लेने वाली बात है तभी तो ले रहा हूँ ना। टेंशन नहीं, सैलरी लो घर जाओ, टेंशन मत लो, समझे? Enjoy यार। एक दिन हम देख रहे हैं, देखते देखते ना एक दिन सुना देंगे बढ़िया से। सॉरी तो क्या हुआ? Yes. New joinees. Aye, hi, new joinees. Sorry? Yeah, this way, please. Okay, please go inside. नहीं नहीं, ये टिक नहीं पाएंगे। अरे ऐसे ऐसे कितने लल्लू पंजू आए। हाँ भैया, हम लोग जैसे सब थत्थर थोड़े ना है। ये गौरव सर का सुन सुन के कान पक चुका है यार। ज्ञानू एक बात बताए, क्या ये जो सफेस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, हाँ थोड़ा मतलब बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जो आते हैं, इनकी ही पहले दिन फटती है। सही कह रहे हो भैया। सही में और क्या? बटर फ्रीज में कितना भी पत्थर बन जाए मगर तवा पर आते ही साले की औकात पता लग जाती है। अरे भैया,
देखिए माल पिंकी को टोकी। ओके यानू क्या अब अगर रात को लेट तक रुकना पड़ा ना हाँ, तो मन लगा रहेगा। एकदम एकदम क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। हाय ब्रांच फ्रेशनर भी चाहिए था ना, मिल गया। मिल गया अब क्या चाहिए। हाय तुम्हारी तो मन की मुराद पूरी हो गई। सही कह रहे हो बिल्कुल। हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो अभी शाम को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइस? फाइन सर। फाइन सर। न्यू जॉइनीज? यस सर। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा ज्ञान आज तो ऐसा लग रहा है कि तू इस बैंक का एमडी बन गया है। क्वेश्चन कंटिन्यू रख। गुड गुड। For which college? Ikeme Business Ikeme School, Business sir. School sir. Nice. Thank you, sir. Hi. Hi, everyone. Hi, sir. Hi, sir. आप मिले सबसे? हाँ, सर. इन लोगों से मुलाकात हो गई हमारी. Sir, they all are very intelligent, sir. Good. Have a seat. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Best of luck, guys. आप लोगों को प्रोसेस नोट समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बट आई थिंक हम कस्टमर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। इस दुनिया में हर इंसान हर रोज बेवकूफ बनता है। 30 रुपए का पनीर हम होटल में 300 रुपए में खाते हैं, बन गए ना बेवकूफ। आज हमको ये बात पता हो गई है, फिर भी हम बेवकूफ बनेंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। वो होटल वाला भी अपने काम में एक्सपर्ट है, लेकिन वो भी हर रोज बाहर बेवकूफ बनता है। वो शायर है ना मुकेश मिश्रा जी, उनका हाँ, एक शेर है। कौन सा वाला सर? होड़ लगी है यहाँ, होड़ लगी है यहाँ आसमां को छूने की। क्या बात है सर। होड़ लगी है यहाँ आसमां को छूने की, हर जेब में किसी दूसरे का हाथ है। इसीलिए कभी कभी अपनी आंखें बंद रखो, वरना भूखे मर जाओगे। ज्ञान मैंने भी कल 30 रुपए का पनीर 300 रुपए में खाया। वाओ, काश तुम कक्कड़ की फैमिली से होते यार। या। क्या हुआ? हाँ? चले। सर एक अकाउंट 2 लाख के ओपनिंग चेक के साथ। पिंकी तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है? 2 ऑटो लोन सर। ये ऑटो वालों की दुनिया से बाहर निकलो। 1 प्रीमियम क्रेडिट कार्ड एंड 1 इंश्योरेंस पॉलिसी सर। गुड कपिल। So, honestly, I don't have anything in the pipeline. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट नहीं पता है, बात नहीं कर पाते हो, या काम करने का इरादा ही नहीं है? बेटा हम डेली वर्कर्स की तरह हैं, हमें रोज प्रूव करना होता है। इसको देखो,
इसने पिछले 2 महीनों में 12 लाख का प्रीमियम कलेक्ट किया है। मुझे रिजल्ट चाहिए कपिल, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। छोटू को बोलना चाय पिला यार, नींद नहीं खुली। क्या चाय चाय चाय? क्या खुशबू सूरी चाय? मजाक चल रहे हैं सर? सर मैं सोच रहा था कि अगर मुकेश पहले आ गया होता तो आप प्रमोट हो गए। मुकेश यार ऑल द बेस्ट। मुकेश यार कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू ब्रदर। चला आसन वॉक यार। ओके भाई। हाँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल नो सर, रजनीश बोलो वही काफी। देखो प्रैक्टिकली आई हैव एक्सपीरियंस सो आई एम योर सीनियर, बट टेक्निकली तुम मेरे सीनियर हो। सर मैं कुछ समझा नहीं। फिलहाल एक बात समझो और याद रखना, तुम रामलीला में नहीं आए हो, जो सच कहोगे तो सब फूल बरसाएंगे। अरे बोलने में क्या जा रहा था, तुम ही बोल लेते कि सर एक अकाउंट हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है यहां पर सबने जो कमिटमेंट दिया है वो पूरा करेंगे? सबने झूठ बोला है, सबने। जितने जल्दी हो सके धूल उड़ाना सीख लो, जितना उड़ाओगे उतना ही ऊपर जाओगे। जी चलो कॉफी पिलाता हूं तुम्हें। हाय मुकेश। हाय मैम। यार तुम तो 2020 के प्लेयर निकले। क्यों? आते ही चौके छक्के मारने लगे। थैंक यू। वैसे कहाँ रहते हो तुम? सामने ही रहता हूँ। नजदीक रहना पसंद है तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद है। कॉफी पीते हो? जी पीता। तो कभी मुझे भी पिलाओ। श्योर मैम। चलिए अब घर जाते हैं। यार तुम तो बहुत फास्ट हो। मैम अपने अपने घर की बात करो। ठीक है। हेलो सर। हेलो। भाई एक सजेशन है तुम्हारे लिए। बोलिए सर। हो सके तो नेहा से दूर रहो। अपनी नेहा मैडम? क्यों? वो कॉर्पोरेट गर्ल है, जब चाहे ट्रांसफर करवा देगी, जब चाहे टर्मिनेट करवा देगी। क्या मतलब? देखो मुकेश, बैंक के ग्रोथ में सेंसेक्स और पर्सनल ग्रोथ में सेक्स, ऐसे फॉर्मूले पे काम करने वाली लड़की है जिसका नाम है नेहा। टेक केयर। नेहा आज क्यों लेट हो गई? तुम बिना प्लान का सत्यानाश कर दो। आज ना आपको हमेशा जल्दी होती है। अच्छा चले। सर कल एक कस्टमर आया था, वो अपनी ही ब्रांच में आएगा, एटलीस्ट 1 लाख रुपी। ए, इधर आओ। अब तुम कॉलेज में नहीं हो,
सिर्फ कैजुअल से फॉर्मल कपड़े बदलने से नहीं चलता, खुद को भी बदलो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम्हें पता है रात के 2 बजे तक मैं रघु सर के क्वेश्चंस का आंसर देता रहता हूँ और सुबह उनके ही मैसेज से मेरी नींद टूट जाती है, और उनका मैसेज गुड मॉर्निंग का नहीं होता, MCPC टारगेट। इमेजिन करो यही सब मैं तुम सब के साथ करूं तो। सॉरी सर, सर दोबारा से ऐसे नहीं होगा। आउट। सॉरी सर। जी रघु सर। ओ हीरो, लेट क्यों हुआ? थैंक गॉड, अगर पूजा कॉल नहीं करती ना तो आज मैं 12 बजे से पहले आ ही नहीं पाता। पूजा? हाँ। That पूजा नंदा, वो हाँ। तुम्हें कॉल क्यों कर रही है चुड़ैल? अरे उसका कल बर्थडे था, कोई नहीं था, बेचारी, मैं अकेला ही था। अच्छा फिर? फिर क्या पिंकी, तुम तो जानती हो मैं भगवान हनुमान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अच्छा। और हमेशा पूजा में आरती जरूर करता हूँ, पर मुझे क्या पता था इस पूजा ने तो आते ही मेरा ही दिया बुझा दिया। फिर क्या, थोड़ा बह गया और हो गई ग्रैंड मस्ती। अच्छा हाँ। तो जनाब ग्रैंड मस्ती करके आए हैं। सॉरी। और मैं? सॉरी। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं? सॉरी। तुम्हें अंडा खिलाऊं? सॉरी। ताकि फिर जाके कल तुम ग्रैंड मस्ती करो, है ना? यस यस यस, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, यस यस। तुम सच बोल रहे हो? हाँ शक है तो चल शादी कर ले। लगता है जनाब आज फिर सपने देख के आए हैं। वैसे आज क्या सपना देखा? आज देखा हुई हमारी शादी, फिर बढ़ गई आबादी। साथ रहे हो गए बरसों, प्यार हो मेरे कहा था तुझे परसों, शादी के लिए थोड़ा और तरसो। दिल में तस्वीर मेरी पेंट कर ले, अरे दिल में तस्वीर मेरी पेंट कर ले, थोड़ा पार्ट टाइम का प्यार, थोड़ा पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले, थोड़ा पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले, थोड़ा पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट का प्यार परमानेंट कर ले। मैं हीरो तेरा बनना चाहूं गोरी, वर्ल्ड फेमस हो जाएगी अपनी जोड़ी। मेरे दिल को भी इसका डर भा गया, मैं देखूं जिधर तू नजर आ गया। चल बूढ़ियों भी टाइम का प्यार, छोड़ पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले, छोड़ पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले, छोड़ पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले, छोड़ पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले। तेरे आगे पीछे दिल ये भटके मेरा, है लगन आज चल तू लगा ले फेरा। तूने देखे कहां लग के झटके मेरे, सारी दुनिया से अंदाज हटके मेरा। जो भी करना है अब अर्जेंट कर ले ले ले, छोड़ पार्ट टाइम का प्यार, छोड़ पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले, छोड़ पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले, छोड़ पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले, छोड़ पार्ट टाइम का प्यार परमानेंट कर ले। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हम दोनों साथ रहे हो
कर ले, अरे दिल में तस्वीर मेरी पेंट कर ले। पिछले 3 महीने से तुम सिर्फ कमिटमेंट दे रहे हो तो कुछ नहीं रहा है। एक बात बता, तुम्हारे सेल्स टीम में कितने बंदे हैं? सर 14 बंदे, और सेल्स तो 4 के बराबर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तुमने कभी इन लोगों का ट्रैक रखा है? मैं ट्रैक रखता हूँ सर, बच्चे बहुत मेहनती हैं सर, नो डाउट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट वीक में सर 30 लाख का इंश्योरेंस तो हो ही जाएगा। गुड, हो ही जाना चाहिए। यस सर। नहीं तो तुम अपने और अपने बच्चों के लिए कोई अनाथालय ढूंढ लेना। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। मजा आ रहा है? तो फिर हंस क्यों रहे हो गोपाल? अपनी परफॉर्मेंस देखिए, लुक एट द बोर्ड। आप सब अपनी परफॉर्मेंस देखिए गोपाल। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। आज कितने का बिजनेस होगा, कितने का इंश्योरेंस लाएंगे आप लोग, कितना इंश्योरेंस करेंगे आप, बोलिए, मुझे जवाब चाहिए। आप लोगों के पास कोई प्लानिंग है कि नहीं? सर हाँ, एक्चुअली लीड हुआ था लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ। सर आई हैव 2 कॉल सर। गुड रजनीश, व्हाट इज दिस? सर आपको तो पता ही, मैं पाटिल सर से मिलने जा रहा हूँ। बोथ ऑफ यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। आई डोंट नो क्या होगा। तो आप तीनों के पास कोई कॉल नहीं, ठीक है? आज से मैं आपको सेल्स सिखाता हूं। ब्यूटीफुल हाउस सर। वाओ सर, आपने मतलब कोई लोन वगैरह नहीं लिया इस घर? जी नहीं, लोन नहीं लिया। ओह, खुद लिया सर? हाँ जी। हैट्स ऑफ सर, इतने प्राइम लोकेशन में ऐसा घर, ग्रेट। हाय, योर डॉटर? या। हाय, आई एम गौरव, नाइस टू मीट यू। सर कार लोन के लिए इंक्वायरी की थी आपने, किस ब्रांड की कार लेनी है आपको? एक्चुअली इंक्वायरी मैंने लास्ट वीक ही की थी। अच्छा, आप में से गोपाल कौन है? जी मैं हूँ सर। बड़े बदतमीज हैं आप। लास्ट वीक मैंने आपको कितनी बार फोन किया, आपको कहना चाहिए था कि मैं नहीं आ रहा हूँ। देखिए, कस्टमर के साथ अगर आप लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की उम्मीद ही छोड़ दो। ओके? क्यों, और पानी चाहिए? नहीं सर। आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली इनका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है इसलिए। सर जब किस्मत हो। चुप। तो क्या करेगा पांडू? एक काम ठीक से नहीं कर सकते। यू कांट इवन मेक 1 डील। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लान। ग्लास ऑफ वाटर प्लीज मैम। या श्योर। रेशमा, पानी लेकर आना। सी मैम, दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस। या, आई विल सी। वंडरफुल स्कीम मैम। अरे ऐसा प्रोडक्ट तो आपके बैंक मैनेजर ने 2 साल पहले मुझ पे चिपका दिया था। नहीं मैडम, 2 साल पहले स्कीम दूसरी थी, ये नई स्कीम है मैम। आप ये देखिए, सी दिस, सी इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और इतने सारे रिटर्न्स हैं मैम। आप प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूं। आपने जो कहा ना मैम, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पानी के साथ सब निकल गया। अब नए सिरे से बात करें, आपने लास्ट पेज पे ये स्कीम तो देखी ही नहीं। इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न देता है कोई बैंक आपको?
Looks interesting. You just sign, ma'am, and look at the returns. Okay. Here. So, बुढ़िया थी तो खुश है पर काम की निकली. Excuse me, sir. सर, घर में पहले से फाइट चल रहा है, बच्चा रो रहा है. आपको कुछ बुरा भला कह दिया तो हमसे देखा नहीं जाएगा सर. गोपाल, चुप रहना सीखो. ये वो क्वालिटी है जो तुम्हें देश का पीएम बना सकती है. तुम बात करोगे, तुम डील करोगे, तुम डोर नॉक करोगे. शो मी योर टैलेंट. ओके सर. अरे कौन सुबह सुबह टोको टोको बजा रहा है? गुड मॉर्निंग. हां तो बोलो. हेलो सर, वी आर फ्रॉम एबीआई बैंक सर. आई नो यू हैव टू बाय गोल्ड सर, है ना सर? गोल्ड सर, वी विल गिव यू डिस्काउंट एंड इट्स नॉट सेफ टू कीप इट एट होम. फॉर दैट वी विल गिव यू लॉकर, एकदम एकदम फ्री सर. ओनली यू हैव ओपन वन अकाउंट सर. नाउ आई गॉट इट. यू ऑल केम फ्रॉम अ बैंक, एम आई राइट? यस सर, यस सर. तो यू जस्ट वेट, डोंट गो, आई एम कमिंग. यू हैव टू ओपन वन अकाउंट. यू स्पीक रॉन्ग इंग्लिश. सॉरी सर. देखो देखो इन सबको, देखो देखो इन सबको. इसीलिए तुमको बोलता पढ़ो पढ़ो, नहीं तो कल तुम भी ऐसा ही दर दर भटकेगा. भटता नहीं. आज अपनी औकात पता चली. साली अपनी इज्जत तो हेलिक्स पे भी नहीं बिकी. 100 में से एक दो कस्टमर ऐसे भी मिल जाते हैं. डोंट वरी. कोरोसो की सेल्स के लेना बहुत अच्छी है. आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला. ब्रांच हेड ऐसे ही थोड़ी बन जाता है कोई. एग्जैक्टली. ओए उत्ती, मैं तो चला औरंगाबाद. एक बाइक तो लेने दे. क्यों? ए बोल तो ऐसे रहा ना जैसे अमेरिका जा रहा है. अबे गांव जा रहा हूँ. यू नो व्हाट गाइस, विलेजर्स विल बी द नेक्स्ट टारगेट टू टैप इनटू. या वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर जो हमारे बैंक का टाई अप हुआ है ना टू डेवलप द रूरल एरियाज, उसके लिए गौरव सर चाहते हैं मैं इस अपॉर्चुनिटी को हैंडल करूं. वाओ क्या बात है यार. दे 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 सैंडविच, पता नहीं वहां जाके खाने को मिलेगा या नहीं. So may I come in? Hi, Mona. Sit. You know what? What, sir? I'm very happy today. Mona, जिस तरह से तुमने राज को टैकल किया है, that was superb. Thank you, sir. मैं चाहता हूँ कि तुम राज को अपने कॉन्फिडेंस में लो. वो हमारी बैंक की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. यस सर. मोना, कैन आई इंट्रस्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू? ऑफ कोर्स सर, एब्सोल्युटली यू कैन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. यू कैन गो. थैंक यू.
कपिल घर नहीं जाना है? क्या है ये सब? कुछ नहीं, बस एक कोशिश है पिंकी टू जस्टिफाई माय सैलरी। अच्छा ये बताओ कितना टाइम लगेगा? बताता हूँ, रुको 2 मिनट, हाँ सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में आया। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? थैंक यू सर। बोलो कपिल, क्या बात है, छुट्टी चाहिए? नहीं नहीं सर। सर मैंने कुछ डेटा एनालाइज किया है, ये देखिए सर। तुमने डेटा एनालाइज किया? यस सर। मजाक कर रहे हो? वेरी गुड। थैंक यू सर। सुपर्ब, सुपर्ब कपिल। अब हमें क्या करना चाहिए? डू यू हैव एनी सजेशंस? सर नए कस्टमर्स ढूंढने से अच्छा है हम इन सोए हुए कस्टमर्स को जगाएं। अगर एवरेज 50,000 पर कस्टमर डिपॉजिट मिलता है देन वी कैन रिकवर 30 करोड़ रुपीज। सर गुड, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कपिल, वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर। कल से करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की टीम तुम हैंडल करोगे। आई एम श्योर यू विल डू इट। यस सर। वेरी गुड जॉब कपिल, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। यस 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 यस, आई डिड इट। यस लेट्स गो। क्या हुआ पिंकी? कुछ नहीं, बड़े बदल गए हो कपिल। तुम्हें याद है कभी तुम बैंक के नाम से भी चिढ़ा करते थे और आज? पिंकी मैंने तुम्हारी और डैड की खुशी को ही अपनी खुशी मान ली है। आई एम प्राउड ऑफ यू कपिल। सो एम आई। ओके अब चले। हाँ मोना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। You know, मैं क्या, इवन रघु सर, कक्कड़ इंडस्ट्रीज से आज तक कोई बड़ा बिजनेस बैग नहीं कर पाए। इनके जैसी बड़ी कंपनीज MNC बैंक्स के पीछे भागती हैं। लेकिन पहली बार, द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डील हमारे बैंक को नए लेवल तक ले जाए। We should grab this opportunity at any cost. राज कक्कड़ कुछ भी ले सकता है। I will try my level best, sir. Good. If you try and you succeed, you will get everything you want. I will try, sir. Best of luck. Thank you, sir. Hello? Hello, Mona? Who's this? अरे यार shut up. You know what, यार genuinely network problem है, समझी? अच्छा you know, कल मैं ऑफिस आ रहा हूँ. And I'm very, very excited. अच्छा, मुझे बहुत काम है, कल बात करते हैं। Hey, listen, listen, listen. हाँ? थोड़ी देर तो बात कर लो यार। बोलियो हाइनेस। आज से कक्कड़ इंडस्ट्रीज का अकाउंट मैं हैंडल करूंगी। Oh, wow, यार, congratulations. I'm so proud of you. अच्छा सुनो, मुझे कॉल आया, मुझे जाना है, ठीक है? बाद में फोन करता हूँ। और हाँ, love you. I love you 2, 3, 4. Bas. Let me work, okay? Bye. Bye. hmm.
गुड मॉर्निंग कक्कड़ इंडस्ट्रीज। पाटिल जी, मोना बोल रही हूँ, एबीआई बैंक से। हाँ बोलिए मोना जी। सर मुझे कुछ डिटेल्स लेने थे। प्रमोशन तो नहीं हुआ ना? अरे प्रमोशन अभी साइन कौन करता है? आप। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ब्रांच में तुम्हारा साइन चले, हम सिर्फ तुम्हारा। बोलो कैसे? मोना, मुकेश और कपिल ने जिस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा है वो वाकई काबिले तारीफ है। क्लैप फॉर देम। थैंक यू। बट आई एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और आज कोई सेल्स वेल्स की बात नहीं होगी, लेट्स सेलिब्रेट। कट द केक। मुकेश, गाइस जॉइन मी। श्योर। चलो। क्या बात है, टीम वर्क। थैंक यू सो मच सर। मुकेश जी सर, गांव को डेवलप करने के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया है? सर आइडियाज तो बहुत हैं सर, बस थोड़ी सी फंडिंग मिल जाए ना सर, फिर देखिएगा गांव को शहर बनने में देर नहीं लगेगी। मुकेश गांव से बाहर आओ यार। अरे यार देखो, हम लोग घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एक पे पैकेज से दूसरे। हाँ। और बाइक से कार या कार से उससे बड़ी कार। सर फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोग ना फॉलोअर्स बन के रह गए सर, ड्रीमर्स नहीं। आई एग्री विद यू। हम औसत दायरे में रहना सीख लेते हैं जी, अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही चाहते हैं, है ना? एंड हम सैलरी क्लास वालों की ना बॉडी लैंग्वेज भी कुछ अजीब सी हो गई सर। आई एम सॉरी टू से बट मैं तो वही करूंगा सर जो मुझे पसंद है। गुड, चलो एंजॉय द पार्टी। रजनीश, व्हाट नॉनसेंस। मुकेश तुम ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही आइडलिस्ट बिहेव करते हो। रियली यार, रियली आई मीन इट। ओके गाइस, मुझे कक्कड़ को डिनर पे लेके जाना है, सो आई बेटर गो एंड प्रिपेयर फॉर दैट। हेलो मोना। हाय सर। सिट। थैंक यू। You're looking nice. Thank you, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. क्या लेना पसंद करेंगे आप? कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। You can have soup, ma'am. Soup? Yeah. Okay. Thank you. Welcome, ma'am. You know, sir, future में मैं भी एक होटल खोलना चाहती हूँ, और जो सबसे पहला आइटम मेरे मेन्यू कार्ड में होगा वो होगा कुछ भी। आई थिंक सबसे ज्यादा डिमांड इसी का है। कुछ भी। मोना तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, कमाल का है। नाउ टेल मी व्हाट्स न्यू इन ईबीआई बैंक। श्योर सर। मिस्टर राज, 30 crores, 30 crores हैं आपके करंट अकाउंट में, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और जिसपे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। यू कैन अर्न 15 to 18 lakh रुपीज पर एनम। यू नो I'm so sorry. It's okay. बस करो मोना, और कितना पियोगी? आज मुझे लगा कि मैं अपनी दुनिया से बाहर हूं। 19 साल का था,
जब मेरी मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था। तब से अब तक अपने आप को इस कॉर्पोरेट लुक में ढाल लिया। आज मुझे लगा कि टाई के साथ टकीला का भी जिंदगी में एक अलग ही फ्लेवर है। बचपन में जब दादी के साथ मैं छत पे सोता था ना, तो मैं एक तारा जिसकी चमक सबसे ज्यादा होती थी, मैं वो तारा बनना चाहता था। वो बादल में एक समय के लिए भी छिपता तो मैं बेचैन हो जाता था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढता था। और बचपन में जो बेचैनी मुझे तारे को लेकर थी, वो अब पैसे को लेकर हो गई है। इतने कुछ सालों में पता ही नहीं चला कि इतना समय कैसे बीत गया। आज फिर उस तारे को मैं ढूंढ रहा हूं, उससे मिलना चाहता हूं मैं, पर वो मिल नहीं रहा। शायद उसने किसी और बच्चे से दोस्ती कर ली। इस दौर में जब लोगों को अपना पास्ट याद नहीं रहता, तुम्हें सब याद है। मोना, वही तो है मेरे पास, जिसने मुझे इस जगह पे लाकर खड़ा किया है। तभी तुम आज इतने सक्सेसफुल हो। राज, तुम इतना बड़ा बिजनेस चला सकते हो, पर कार? नो वे। नो, स्टॉप इट मोना। मैंने तुमको पहले ही बोला है कि मैं चड्डी, बड्डी और गड्डी, इन तीनों का कम ही यूज करता हूं। हेलो मोना, यार कहाँ हो तुम? यार कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हें पता है? एक कॉल का भी आंसर नहीं दिया तुमने। और पता है कल घर आया था तुम्हारे, लॉक था। होप एवरीथिंग इज फाइन, राइट? आई एम सॉरी मुकेश, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज पिंकी कोटोकी फ्रॉम EBI बैंक। व्हेन कैन आई कम मैम? प्लीज डोंट कॉल मी। हेलो हेलो जी मैम, ऑफ कोर्स। ओके मैम, ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिंकी, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी तो नहीं। ओके, चलो चलो, आफ्टर यू। मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ, ओके? चलो बताओ क्या बात है। आज मुझे कहीं से भी दो अकाउंट सोर्स करने हैं। गौरव सर ने बहुत डांटा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से लाऊं अकाउंट्स। चलो मैं देता हूँ लीड्स, ये डेली का ड्रामा रहेगा, मैनेज करना सीखो। एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये बात तुम्ही से तो सीखी है मैंने। मुकेश क्या हुआ? क्या हुआ अबे साले, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं यार, मोना नहीं है अभी तक। अबे साले, 24 घंटे तुम दोनों साथ रहते हो और पूछ हमसे रहे हो? चुप कर साले, उसकी मीटिंग थी यार कल,
इसलिए मिल भी नहीं पाया मैं. आई होप शी इज फाइन यार. ऑफ कोर्स शी इज फाइन. नाउडेज शी हैज बिकम डैम सीरियस अबाउट हर वर्क. तू टेंशन मत ले. तुम यार, हाँ तुम अभी तक ऑफिस नहीं आई हो. नहीं मैं नहीं आ रही हूँ. व्हाट, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे मोना? मोना स्पीक अप यार, से समथिंग. क्या छुपा रही हो तुम? स्पीक अप यार. मुकेश मेरा मूड ठीक नहीं है, हम बाद में बात करें. नहीं मुझे अभी बात करनी है तुमसे. लेकिन मुझे अभी बात नहीं करनी है. देखो कोई बात नहीं, मैं घर आ रहा हूँ, सुकून से बात करेंगे. ओके? नहीं मुकेश मत आना, मैं पैकिंग कर रही हूँ. पैकिंग कर रही हो और किस लिए? मैं पूना छोड़ के जा रही हूँ. पूना छोड़ के जा रही हो? यार तुमने मुझसे पूछा भी नहीं. यार हर बार तुमसे पूछना जरूरी नहीं है मुकेश, प्लीज लीव मी अलोन. देखो मैं परछाई हूँ तेरी. अपनी परछाई से कैसे दूर रह पाओगे आप बताओ? हाँ तुमने हमेशा रोशनी की तरफ देखा है मुकेश, अंधेरे में तो आईना भी अपनी शक्ल नहीं दिखाता. और तुम परछाई को साथ लेके चलने की बात कर रहे हो. तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हो और तुम्हें उस दोस्ती की कसम, हम आज के बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे. व्हाट? हेलो मुकेश, आर यू ओके? क्या हुआ? आर यू ओके? मोना थी, कुछ सीरियस है क्या? शी इज ओके ना? यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पिंकी क्या हुआ? कुछ बोले तो पता चलेगा ना. मुकेश नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाहर जाके बात करती हूँ. नहीं पिंकी, जब नियत साफ नहीं होती ना यार तो टेक्नोलॉजी भी हार मान लेती है. मुके बात नेटवर्क की नहीं है, उसकी नजरिए की है यार. तुम लोग फिर लड़ लिए. हाँ और इस बार ये हम दोनों की आखिरी लड़ाई थी यार. आज मुन्ना ने वो कह दिया जो उसने पहले कभी नहीं कहा था यार. आज से सब कुछ खत्म हो गया मुकेश. ऐसा नहीं है मुकेश, वो किसी बात से गुस्सा होगी यार, प्लीज चुप हो जाओ. पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा था. कपिल प्लीज ज्यादा अकलमंद मत बनो, तुम सब कुछ नहीं जानते हो लड़कियों के बारे में. पता नहीं किस मजबूरी की वजह से वो ये सब कर रही होगी. कल को अगर तुम थोड़ी मजबूर हो गई तो क्या मुझे भी छोड़ दोगी? कपिल गाइस शट अप, गाइस शट अप. मुकेश प्लीज. मुकेश यार अरे यार मुकेश सब ठीक हो जाएगा, सब मैं बात करूंगा. मैं रिजाइन कर रहा हूं. मुकेश सुन, मैं रिजाइन कर रहा हूं. मुकेश रुक जा यार.
Hi everyone. Attention, come here. Come, fast. Okay. I'm very happy to announce that Kapil has been promoted as branch manager. Oh, wow. Thank you. अब मैं आप लोगों के साथ सिर्फ कुछ ही दिनों तक हूँ. कुछ दिनों तक हूँ मैं, समझा? बहुत एक्साइटेड हो रहा है ये. कांग्रेट्स कपिल. थैंक यू. इतने जल्दी इतना सब कुछ. थैंक यू. बधाई हो. थैंक यू सो. कांग्रेट्स कपिल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस कपिल. आप तो सिर्फ. थैंक यू. नेहा बोलो. क्या हो रहा है रघु? क्या हो रहा है मतलब? कल के बच्चे मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं और मैं वहीं की वहीं हूँ. अरे नेहा, ऐसा नहीं है. ऐसा ही है. अच्छा तुम आओ मिलो, मैं बात करता हूँ. आओ मिलो. थोड़ी बहुत दुनिया तो मैंने भी देखी है. यार कपिल का प्रमोशन हो गया. मुझे पता है मेरी गलती, मैं तुम्हारी बातों में जो आ गई थी. कपिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है यार. अच्छा तुम आओ मिलो, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए. मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ रघु, मैं चुप नहीं बैठूंगी. शट अप. यू शट अप. इतना तो मैं समझ गई हूँ कि बैसाखी के सारे रेस नहीं जीती जा सकती. और हाँ, अब से हमारे रिलेशन अगर प्रोफेशनल ही रहे तो बेहतर होगा. अगर मैं प्रोफेशनल हो गया ना तो शायद 2-4 दिन से ज्यादा तुम बैंक में नहीं रह पाओगी. अच्छा चलो, वो तो वक्त ही बताएगा. ऑल द बेस्ट रघु. ओके. वो कौन सा वाला जोक था तुम बता रहे थे? जो सीनियर सेकंड में फेल हो गया था, वो बोला कि चीफ मिनिस्टर का बेटा भी फेल हो गया. हाँ हाँ हाँ, वही वही वही. दोबारा जो उसने एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट आने वाला था. सर क्या हो रहा है वहां पर? Your staff is busy sitting in the branch. Warming their chairs? अंडे दे रहे हैं उस साले वहां पर.
कल 10 लाख रुपए का मुझे इंश्योरेंस चाहिए और कम से कम 10 नए अकाउंट खुलने चाहिए। साले वहां पर फ्री की बैठ करके सैलरी उठा रहे हो तुम लोग, हैं? सर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, हैं? कल मैं ब्रांच में आ रहा हूँ, तुम लोग सारे लाइन से वहां पर सब होने चाहिए टाइम पर, समझ गए? साला भोंदू, सर्कस चला यहाँ पर, मजाक बना के रखा है। आज जब तक बिजनेस नहीं होगा कोई घर नहीं जाएगा। बैक टू वर्क। अरे छोड़ ना यार, इसकी तो आदत है, क्यों टेंशन ले रहा है? ये छोटू सबकी माँ बहन एक करने की ही तनख्वाह लेता है क्या? यही मान ले, हैं? यही मान। अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर सकता है। इसकी तो यहाँ ना हर किसी के पिछवाड़े में बंबू किसी और का है, इसकी तो ऐसी की तैसी। और एक ये मैडम है, हाँ, जो प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक बना रखी है। और एक हम है जो साला फरवरी तक टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो मार्च में देखना। यार मार्च का नाम सुनते ही ना बुखार लग जाता है यार। ये मैनेजमेंट बॉडी से खून निचोड़ लेगी और 2-4 साल बाद किडनी, आंख, लीवर सब साला बैंक के बैलेंस शीट मेंटेनेंस में चला जाएगा। काश मैं किसी सरकारी बैंक में होता। आई। और कुछ? जा। गोपाल जी आपने यही बैंक क्यों चुना? मैडम जी यहाँ से पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मैनेज हो जाता है। आप यहाँ क्या देखते हैं? कमाल करती हैं मैडम जी, जो सभी देखते हैं वही देखता हूँ। फिर भी आप यहाँ क्या काम देखते हैं? 10 किलोमीटर आना जाना यही क्या कम है? दिन भर में बस 4 चाय 2 नाश्ता और 1 दिन का भोजन। लीजिए, भोजन कहते ही भूख लगाई। चलिए आज आपको शर्मा जी की भोजनालय लिए चलता हूँ। सुना है वो तो बड़ा महंगा होटल है। होगा, हमने लोन दिया है तो भोजन फ्री। वाह वाह गोपाल जी, आपकी तो चांदी है। मुझे तो लगा था सिर्फ पुलिस वाले ऐसा करते हैं। सर जी अकाउंट खुलना है, फॉर्म चाहिए। पागल है क्या यार? सरकारी बैंक है मैडम जी, यहाँ तो इतने लोग आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। और प्राइवेट बैंक में लोग नहीं जाते हैं तो बैंक वाले परेशान हो जाते हैं, है ना मैडम? फिर तो आप बड़े बिजी रहते होंगे। बिजी? मैडम हम हर काम कल के लिए टाल देते हैं और दिन भर दीवार पर उल्टी लटकी हुई गिरगिट को कभी हम आंख मारते हैं तो कभी वो। सर अरे तुम फिर आ गए, तुम देख नहीं रहे हो कि हम दोनों बिजी हैं? सर लेकिन 2 मिनट ही लगेगा ना। 2 मिनट? तुम्हारा 2 मिनट, तुम्हारे पीछे वाले का 2 मिनट, उसके पीछे वाले का 2 मिनट, 2 मिनट करते करते हमारा लंच का टाइम निकल जाएगा, हम क्या मर जाएं? लंच के बाद कर देना सर। लंच के बाद? जी। मुझे जल्दी घर जाना है, कल रात एक शादी में गया था, ठीक से सो नहीं पाया हूँ, मेरा दिमाग मत चाटो, तुम जाओ। अरे अकाउंट खोलने आया तो इतना अकड़ रहे आप, गलती से लोन मांग लेता तो मर्डर कर देता आप। अरे क्या हंस रहे हो, ही ही। दूसरे बैंक में अकाउंट खोलूंगा। जाइए। कैसा आदमी है? जाइए जाइए आप। मैडम जी आप क्या लेना पसंद करेंगे? हेलो सर। जी 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 सर, अभी आया सर। मुझे मालूम है इस ब्रांच में दूसरे ब्रांच की तरह नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये फॉरेक्स में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यू सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्रॉब्लम फॉरेक्स मार्जिन को लेकर है। क्या? MNC बैंक्स बहुत ही कम मार्जिन में डील करते हैं। हाँ तो? तो सर आप रहने दीजिए, वैसे भी आप मेरी कहाँ सुनते हैं? नेहा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कपिल। यस सर। आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? सर इट्स डिफिकल्ट,
Because MNC बैंक जो है वो 5 पैसे पे काम करती है और अब हमें भी 5 पैसे पे काम करना पड़ेगा. So, but the good news is that हमारा एक भी कस्टमर लूज नहीं होगा. और सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गैप, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपीस का लगातार गिरना. अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 56% ट्रेड डेफिसिट हुआ है और इसका असर ना सिर्फ अपने फॉरेक्स पे बल्कि पूरी कंट्री में दिख रही है. तो फिर क्या कर सकते हैं सर? सबकी नजर आरबीआई पर है और अगर इस वीक 50 पैसा CRR भी कम होता है तो 84,000 करोड़ बैंकिंग सेक्टर में इनफ्लो होगा. एंड आई थिंक इतना हो तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और रुपी स्ट्रॉन्ग होगा. या यू आर राइट गौरव, यू आर लकी टू हैव दीस पीपल इन योर टीम. थैंक यू सर. दे आर वेल गिफ्टेड. कीप इट अप. थैंक्स फॉर कमिंग सर. सर सर सर. हे डियर. यस मैम. छोड़ दो मिनट उसे. चल यू कैरी ऑन. या टेल मी मैम. आई रियली लाइक्ड यू इन द मीटिंग. या रियली? इतना सारा ग्लोबल ज्ञान कहाँ से आया तुम्हारे पास? मुझे भी कुछ सिखाओ. थैंक यू सो मच मैम. लेकिन सीख तो मैं रही हूँ आपसे. आपने इतने साल दिया है इस बैंक को. मैं शायद वो बात तो है. वैसे मैं टेंशन की रिकरिंग डिपॉजिट नहीं रखती, शायद इसलिए. टेंशन की रिकरिंग डिपॉजिट. इसलिए मैं कहती हूँ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. चाय पियोगे तुम? या श्योर. चाय. Thank you. Nice food. क्या हुआ कपिल? पिंकी? हाँ. याद है सारे पुराने दिन याद आ गए. यार कितना मस्ती करते थे ना हम लोग. Actually, you know what? एक रात क्या हुआ था? क्या? मैं मोना कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ आए थे. जब हमने डिनर ऑर्डर किया तो मोना ने उस वेटर को आंख मार दी. उसके बाद उसने हर दूसरा आइटम बिल में ऐड ही नहीं किया. मोना ना थी ही ऐसी. अरे यार, इट वाज जस्ट फॉर फन. आजकल ना तुम हर बात सीरियसली लेने लगे हो. एनीवेज, गेस व्हाट? व्हाट? आज मैंने दोस्त बनाया. दोस्त? कौन? नेहा, अच्छी लड़की है. वो ना मुझे बता रही थी पर कि पिंकी, उसका और रघु का जानती हो ना तुम? यार फंसाया है उस रघु ने उसे. वो गलत लड़की नहीं है. वो आजकल के हजारों वर्किंग गर्ल्स में से है जिनको उनके करप्ट सीनियर्स कुछ भी करके फंसाने में कामयाब हो जाते हैं. शेम ऑन रघु सर. इसका तो कुछ करना पड़ेगा. मैं अपनी ब्रांच में ऐसा डिस्क्रिमिनेटिव और एक्सप्लॉयटेटिव माहौल रहने नहीं दूंगा. मैं बात करूंगा गौरव सर से. Thank you so much, Kapil. Cheers for us. Cheers. नमस्कार शर्मा जी. नमस्कार. कैसे हैं? अच्छा हूँ. बच्चे कैसे हैं? बच्चे भी अच्छे हैं. आप बताइए. शर्मा जी, भाई मेरा एक DD बना दीजिए, अर्जेंट है, प्लीज. पैन कार्ड तो नहीं है. शर्मा जी, जी जरा जल्दी कर दीजिएगा. हाँ आप, मैंने कहा ना थोड़ी देर बाद आइएगा. थैंक यू सो मच. फोन रखो रघु, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है.
इतना गुस्सा भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। अच्छा बुरा तो मैं सब समझ गई हूँ, तुम फोन रखो। एक मिनट भाई, भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार, तुम मैनेजर हो गई हो, प्रमोशन हो गया है तुम्हारा, काम का तुम मेरे पीछे पड़ी हो यार। मैं ना कीचड़ पे मिट्टी डाल के उसे ढकना नहीं चाहती, उठाकर फेंक देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या है ना, अगली बरसात में वो अपनी औकात फिर दिखा देगा। रखो फोन। इन्हें तो एक डीडी बनाने के लिए बोला था। ओके। फिलोसॉफी झाड़ने लगे। ज्ञान सब जूस पियेंगे। अरे मुझे एक जूस बोलो। ओके सर। और इनकी डीडी तुरंत बनाओ। श्योर सर। ऐसे होता दो मिनट सर। अरे व्हाट टू जूस बोल दो। दस आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आधा घंटा हो गया। दो मिनट सर। ज्ञान हुआ? हाँ सर। साइन दस ऐसे नहीं। प्लीज जी आपका डीडी। सर आपका डीडी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो ये तुम्हारे पिछले एक महीने का कॉल रिकॉर्ड है। Yes, sir. सर मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है। बोलो। पर ये गलती मैं फिर दोबारा दोहराना नहीं चाहती। डोंट वरी नेहा, भरोसा रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स टू यू नेहा, तुम्हारा ये स्टेप हजारों लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा। हम छोड़ने वाले नहीं हैं उस तेढ़ फुटिये को। एक्सक्यूज मी मैम। यस। आज क्या किया? कुछ खास नहीं। तो खास कब करोगी? अरे और दोस्तों आज का दिन कैसा रहा? फर्स्ट क्लास भाई, आप बताइए। सब कैश टैली कर दिए। अरे हैश कैश दोनों टैली हो गया। आपका क्या हुआ? ए, मेढक इतना क्यों उछल रहा है? सर आज 5 करोड़ का म्यूचुअल फंड इक्विटी के साथ, वो भी 4% इनकम। वेरी गुड। और इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कितने का करवाया? नहीं लिया सर, माँ का सम बहुत कोशिश किए सर, वो बोला है कि आगे मिलो तो कुछ करेंगे, बोला है सर। म्यूचुअल फंड कस्टमर की नीड थी, जरूरत। तुमने एज ए सेल्समैन क्या वैल्यू एडिशन किया बोलो? जो कस्टमर 5 करोड़ का म्यूचुअल फंड ले सकता है, वो 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं ले सकता? यू गाइज आर इम्पॉसिबल। मिस्टर रजनीश, बहुत खांसी आ रही है आपको? हाँ, पानी। आपने क्या किया आज? 2 क्रेडिट कार्ड हो गया और मैं जा रहा हूँ, कस्टमर्स मिलने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। You are not justifying your salary, Mr. Rajneesh. आज 2 account, 2 लाख का इंश्योरेंस, 4 demat account और 4 credit card का बिजनेस चाहिए मुझे, नहीं तो आप घर नहीं जाएंगे। आज मैं 4 account, 5 लाख का इंश्योरेंस, 10 demat और 10 credit card करके ही जाऊंगा। ये क्या मजाक है? सर पहले शुरू किसने किया? शट अप। मिस्टर रजनीश, आप सीनियर हैं, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। यार छोटी में दिमाग की माँ बहने कर दी यार, दिल तो करता है इसकी माँ। अरे अरे सब पब्लिक, पूजा करो यार, खुद तो कुछ करता नहीं माँ की आंख। ये बताओ सिर्फ बोलने से बिजनेस होता है क्या? कैसे कैसे झूठ बोल कर तो हम बिजनेस लाते हैं। सही।
और अगर बिजनेस होता है तो साले का डिमांड बढ़ जाता है, कस्टमर के डिसीजन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सही बात, वो तो है ही हाँ। काला बॉस है ना, उसकी कुर्सी में ही कीड़ा है। हाँ सर, ये क्या चाबी? वीजा तो जिक्र कल की, फिक्र कल की, क्यों मैं क्यों करूं, सोच कर सर नोच कर, क्यों मैं क्यों जीऊं, मुझको नहीं खबर है कल की बातें, चैन से सोने दे रातें 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 रातें, दुआ दुआ ऐ जिंदगी, दुआ दुआ ऐ हर खुशी, दुआ दुआ ऐ रोशनी, दुआ दुआ है खाबे सभी, रात के अंधेरे में उड़े, मैं रोशनी हूँ वही जो सूरज को खले, मैं धुन वही जो शोर में कोई सुन ना सका, खुद को ही खुद ने लाखों दफा ठगा, लाखों दफा ठगा, दुआ दुआ ऐ जिंदगी, दुआ दुआ ऐ हर खुशी, दुआ दुआ ऐ रोशनी, दुआ दुआ मिस्टर गोपाल, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, अदरवाइज 11 months काम करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड चेंज योर गियर, नहीं तो अच्छी रेटिंग की उम्मीद भी नहीं करना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर थैंक यू साला, जब देखो तब गुस्सा करता रहता है। गोपाल जी, अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? टिफिन में भी गुस्सा ही भर के लाता है क्या? बीबी का गुस्सा हम पर, बच्चे का गुस्सा हम पर, पड़ोसी का गुस्सा हम पर। अरे सर जी,
मैडम उनको तीखा खाना खिलाती होंगी। ये ले मीठा खा ले, तेरी भाभी ने बनाया। टेस्टी है। टेस्टी है, जरा छोटू को भी खिला दे। छोटू के लिए एक गाना बनाया है। हाँ, सुनो, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। क्या बात? बॉस पे टारगेट का है शुरू। क्या बात है? बॉस पे टारगेट का है शुरू। क्या बात है? आए थे शेर बन बन गए कुकू, बन गए कुकू। खाइए खाइए खाइए। अरे ईमेल आया है। रेड मिल, इसे इंश्योरेंस चाहिए 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 चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। साला अपनी किस्मत है। बचपन में मास्टर जी को जब कोई काम होता था तो 2 से 20 तक का पहाड़ा लिखने बोल देते थे। जितना टाइम पहाड़ा लिखने में लगाया उतना टाइम अगर क्रिकेट खेलने में लगाया होता तो कम से कम आईपीएल तो खेल ही लिया होता। सही बोले। सही है, सही गुरु, सही है। ठीक कह रहे हो गोपाल जी। घर पे माँ पूछती है बेटा घर कब आओगे, बीवी पूछती है आज इतनी देर क्यों लग गई, बेटा पूछता है पापा आज मेरे लिए क्या लाए हो, दोस्त कहते हैं कहीं पार्ट टाइम में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी तो नहीं करने लगे, और हाइट तो तब होती है गोपाल जी जब हमारे बैंक के बगल का पान वाला पूछता है कितना बेचकर आए हो। एक्चुअली हम सब ढोल हैं जिसका जब मन करता है बजाकर चला जाता है। अरे अगर हमने काम नहीं किया तो साले का प्रमोशन कैसे हुआ? अच्छा हुआ प्रमोट हो गया, हम लोग बच गए। चलो अब कपिल ब्रांच हेड हो गया है, हम लोग का आदमी है, अब तो आराम रहेगा ही। उसकी वजह से तो साला कुंडली में खुजली होने लगी थी। कुंडली में क्या गोपाल जी, कहाँ खुजली हो रही है? लो कपिल भी आ ही गया, यही बेहतर बताएगा। ये बताओ कपिल, ये जो अपने बॉस हैं, इनकी कुर्सी वायग्रा फैक्ट्री से बन के आती है क्या? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मेक इन इंडिया मंत्र FDI इज फर्स्ट डेवलप इंडिया। मिस्टर मुकेश महाजन, वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्वीट नाउ। कपिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक मिनट रुको, वो देखो, मानना पड़ेगा मेरे हीरो ने जो 3 साल पहले कहा था ना, आज मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। तभी तो आज US गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हमारे हीरो से सजेशन लेती है। इस साले को इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, पर जाके बैठा है US में। पर यार कुछ भी बोलो, साले से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। तो हम चल रहे हैं US। देखेंगे, उसको फोन ही करता हूँ। क्या हुआ? नॉट रीचेबल आ रहा है, बिजी होगा कहीं हमेशा की तरह। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हाँ जाओ, तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। अच्छा सुनाओ क्या हुआ, बोलो। अच्छा सुनो। हाँ एक्चुअली ना, हाँ? तुम डैड बनने वाले हो। व्हाट, आर यू सीरियस? यस बाबा। डैडी? Sorry. Yes, I'm so lucky. I love you too. और कल जाकर तुम बैंक में रिजाइन करोगी और कुछ काम नहीं करोगी, महारानी जैसे ऑर्डर करोगी ऑर्डर। ओके okay?
जैसा कि आप जानते हैं, जिस किसी भी कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं उस कंपनी की शेयर 4 दिनों में 4 गुनी हो जाती है। जीतना इतना आसान नहीं जितना ख्वाबों में लगता है। आप में से हर कोई 6 से 8 घंटे सोते होंगे। इन्हें याद नहीं कि 8 घंटे कब सोए थे, क्योंकि ये जब सोते हैं तो सपने देखते हैं और फिर जब तक उन्हें हकीकत में ना बदल दे इन्हें नींद नहीं आती। एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई किरण, एक नई उम्मीद, और इन सबको जोड़ दूं तो बनता है एक नया नाम, मिस्टर मुकेश महाजन, ग्रोथ का दूसरा नाम। थैंक यू परवेज, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग हियर, गुड आफ्टरनून ऑल। जैसे मेरे अजीज दोस्त परवेज ने कहा कि जब मैं सोता हूँ तो सपने देखता हूँ और जब तक उन सपनों को हकीकत में ना बदल दूँ मुझे नींद ही नहीं आती। और मेरा नया सपना है कि मैं डॉलर से उसकी विरासत छीन लेना चाहता हूँ। जब मैंने US इकोनॉमी में 3 साल जॉब की तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ के स्कूल, कॉलेजेस एंड सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ नई सोच, नए आइडियाज और नए एक्सपेरिमेंट्स की बात की जाती है, बल्कि हमारे यहाँ I'm sorry to say that कॉपीकैट रोबोट्स बनाए जाते हैं जो उनके आइडियाज में परफेक्टली बैठते हैं। दैट्स वाई दे आर एम्प्लॉयर्स एंड वी आर जस्ट एम्प्लॉयज। गाइस, मैं इसी सोच को बदलना चाहता हूँ। टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब के कितने सारे बिजनेस है, राइट? लेकिन फिर भी ये लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं, जो कि अच्छी बात, पर यही बात हमारे छोटे बिजनेसमैन क्यों नहीं समझते? उनको इसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन अब समझेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, टैक्सी ड्राइवर, हॉकर या ठेले लगाने वाले, कोई भी, मुझे हर इंसान में एक बिजनेसमैन नजर आता है। सोए हुए डेवलपमेंट की नई सुबह होगी। मुझे एक रुपए में $50 चाहिए। थैंक यू परवेज। वेलकम। 3 दिनों में आप सबको 6-6 काउंट करने हैं, 2 आज, 2 कल, 2 परसों। सर और सिंपल बताऊं, 6 आज कर लेते हैं, कल और परसों छुट्टी। सर आपने देखा था ना, कस्टमर हमें किस तरह से जलील करते हैं। हाँ सर, गोपाल ठीक कह रहा है। मैंने भी जिस नाम और इज्जत के लिए बैंक ज्वाइन किया था, सच कहूँ तो बहुत बेइज्जती मिली है। यहाँ पर आप बाहर कस्टमर और घर में बीवी से। बीवी की बात तो मत ही करो यार। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आपको नहीं पता नेहा जी, सॉरी टू से, लेकिन 2 दिन छुट्टी लेकर घर में रहो तो पता चलता है। एक बार बॉस की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर भी सकते हो, पर बीवी की एक्सपेक्टेशन पे नेवर। यहां तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि क्या करना है, पर बीवी की डिमांड्स पप्पा को भी नहीं पता। और ये साले ऑफर वाले भी ना देश देख कर ऑफर देते हैं। मंडे को 10%, सैटरडे को 30% और संडे को सीधा 50%। डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं देते? जहां देखो छूट वहां पति को लूट। घर चलो, बताती हूं। और ये IIM वालों को हमसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा सैलरी इसीलिए मिलती है। यहाँ हम सड़क पर भटक कर बिजनेस करते हैं और वहां वो हमारी बीवियों को भटका कर। अब देखें ना सर, अगर मैं फेसबुक लॉगिन करता हूं तो मुझे अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर और लोन्स के ऑफर दिखते हैं। वहीं पर
उसी समय मेरे ही लैपटॉप से अगर मेरी बीवी फेसबुक लॉगिन करती है तो उसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऑफर और डिस्काउंट दिखते हैं। एग्जैक्टली exactly. एक बात बताओ आप लोग, आप लोगों ने मुझे कभी लीव लेते हुए देखा है? नहीं सर। यही रीजन है सैलरी क्रेडिट होने के लिए बॉस से 30 दिन तक सुबह शाम सुनना पड़ता है, और सैलरी बचाने के लिए बीबी से। खैर बीबी का तो टारगेट अचीव होने से रहा, बैंक का टारगेट ही अचीव कर लो। नहीं सर, कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोगों के दिलों में इतना प्यार देखकर इमोशनल हो गया हूं मैं। जितनी खुशी हो रही है उतनी उदासी। बॉस माँ बाप जैसे होते हैं। हर बॉस का ड्रीम होता है कि उसके बच्चे उसकी जगह लें। एंड आई कैन से प्राउडली कपिल ने मुझे वो खुशी दी। थैंक यू कपिल एंड कंग्रेचुलेशंस। मेरी कुर्सी का ख्याल रखना। और एक बात याद रखना बस, पेड़ अपनी शाखाओं का ख्याल रखे तो पेड़ का विकास होता है। जी सर। सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू सर। मैंने जो कुछ भी सीखा आपसे सीखा, आप सबसे सीखा, सीखा क्योंकि सीखना चाहता था सर। हमेशा आपने मोटिवेट किया है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू कपिल। बेस्ट ऑफ लक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं तो कहती हूँ अगर हमारा हस्बैंड अच्छा कमाता हो ना तो हम लड़कियों को घर बैठ के चिल मारना चाहिए। राशि तू भी अपने लिए एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड ढूंढ के आराम से घर बैठ। वैसे एकदम सही कह रही हो तुम पिंकी। सुना है कपिल ब्रांच हेड बन गया है। तुमने बिल्कुल सही सुना है, काफी मेहनत किया है उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। पिंकी मोना ओको सो गुड टू सी यू। या एक्सक्यूज मी गाइस। ओके ओह माय गॉड, कैसी हो तुम मोना? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? गुड, एक्चुअली ग्रेट। इट्स बीन लॉन्ग यार। या ऑलमोस्ट 3 इयर्स। या आई एम सो सॉरी तेरी शादी में नहीं आ पाई। अच्छा बता कपिल कैसा है? बहुत अच्छा है, वो प्रमोशन हो गया है उसका। वाओ दैट्स नाइस। राज कैसा है? राज थोड़े बीमार रहते हैं पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। कुछ हो तो बताना। श्योर। अच्छा पिंकी। हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछना। मुकेश कैसा है? अच्छा है, वो इंडिया वापस आ गया है, तुम लोग मिले नहीं हो। अच्छा मोना तुम्हारे और मुकेश के पिंकी, बीच कितना अच्छा माहौल है, हम इस बारे में बाद में बात करें प्लीज। अच्छा सुन, तेरे लिए ना एक खुशखबरी है। क्या? आज किससे मिलके आया हूँ पता है? हाँ। आदित्य तुलाराम मिर्चंदानी, ATM। अरे ATM मक्की जूस? नहीं। तो बहुत ज्ञान की बातें करता है। अच्छा? बहुत अच्छी बातें करता है हमेशा। क्या बात? वो बाबा बनने लायक है, लेकिन फिर भी एक डीमेट अकाउंट चिपका ही दिया। यार तू तो बॉन्ड है। जेम्स बॉन्ड। बॉन्ड क्या हाल है? और साले
तू बिल्कुल नहीं बदला। पता है यार, हमने तुझे और तेरी शायरी को बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। ये सब छोड़, वो देख परवेज भाई। ओहो, परवेज भाई भी है यार। गले मिलो यार। मुझे लगा अब तक तेरी हलाली हो गई होगी। तू तो अभी भी हरियाली खा रहा है। देखिए, लगता है ये बैंक का जॉब कुछ ज्यादा ही रास आ गया इन्हें। थैंक यू। तो दोस्तों चले आज अपनी टपरी पर। Why not? गोपाल जी की तरफ से क्या बात है? अरे बैंक के बाजू में। कैसे पेट वेट निकल आया? हेलो मोना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिंकी। बस राज को लेके थोड़ा परेशान हूँ यार। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है आज मुकेश कपिल से मिलने बैंक आया था, और कल हमारे घर भी आ रहा है डिनर के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ, 4 साल हो गए हम सबको मिले हुए। पिंकी, मैं मुकेश से दूर रहूं, यही मेरी सजा है। अच्छा सुनो, उसे पालक पनीर बहुत पसंद है। और मैं चाहती हूँ तुम लेकर आओ। अच्छा चल, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, चलो बाय। महज कुछ दिनों में ही आपने 40 लाख लोगों को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कदम बढ़ाओ में जोड़ लिया है। इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। दरअसल ये मेरे अकेले का अचीवमेंट नहीं है, ये अचीवमेंट पूरे देश का है। सर, आपसे बात करने से पहले हम अपने दर्शकों को कुछ वीडियोस दिखाना चाहेंगे। जरूर। ये लीजिए सर, 10 रुपए का। भाई सर, सर ये पेन भी अच्छा। सर ये कीचेन अपने गाड़ी के लिए, और भी है सर मेरे पास। सर दिखाता हूँ सर। सर ये देखिए सर, और भी है सर। अरे बहुत नहीं चाहिए रे। सर सर वो देखिए सर, वो बोर्ड देखिए सर, बोर्ड देखिए सर, वो बोर्ड बोर्ड। लोग अपने हैं, प्रोडक्ट अपना है, भारत विकास करे, बहुत अच्छा, यही मेरा सपना है। सर आपके घर पे कौन कौन है? बीवी है, 2 बच्चे हैं, बस। सर आपने लोनावला का चिक्की नहीं लिया? ओ, लेना तो था यार, टाइम नहीं मिल पाया। ये विकास का पहला कदम है जिसे मैं पूरे देश में बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। ये आपके सोच का ही नतीजा है। देश का वो तबका जो कल जब गर्मियों में झुलसता था, बारिश में भीगता था, ठंडियों में ठिठुरता था, आज हालात को ठेंगा दिखाकर बड़े बड़े सपने देखने लगा है। देखिए, दुनिया में 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक जो छलांग लगा के आसमां को छूना चाहते हैं, और दूसरे जो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि इसके आगे उनसे नहीं होगा। और मेरे साथ वही लोग जुड़ रहे हैं जो आसमां को छलांग लगा के छूना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, मेरे साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि 10 कदम चलूंगा तो 10 कदम आगे देख पाऊंगा। यार मुकेश, तूने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, हमने भी कुछ अचीव किया है। वो क्या? प्रमोशन हो गया क्या? यार 13 प्रमोशन हुआ है। क्यों? तू चाचा बनने वाला है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस यू गाइस। थैंक यू पिंकी, आई एम सो हैप्पी। वैसे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? हाँ। वो क्या? पालक पनीर। ओह, पालक पनीर। सो स्वीट ऑफ यू पिंकी। तुम्हें पसंद है ना? बहुत। थैंक यू सो मच पिंकी, सो स्वीट ऑफ यू यार।
क्या हुआ मुकेश, अच्छी नहीं बनी है? नहीं पिंकी, बहुत अच्छी बनी है, पर मुझे लगा जैसे मोना ने खुद बनाया हो। मुकेश, आई डोंट नो आई एम राइट और नॉट, पर मोना को बुला ले क्या? उनकी खबर रखता है दिल, हर वक्त हर घड़ी। हौसला नहीं है मुझ में कि उनकी सूरत देख लूं। आशीष, इस शहर में कितने 5-स्टार हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन फिर भी आम इंसान सड़क पे दम तोड़ता है। पर इतने सारे हॉस्पिटल्स एक साथ? डोंट वरी, ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, ये भी आम जनता के हित में सोचती है। आई एम 100% श्योर कि दे विल हेल्प अस। आई एम श्योर तुमने भी कुछ सोचा ही होगा। सोचा, पर यार टू स्ट्रीट द प्रोजेक्ट आई जस्ट नीड यू हेल्प। यार बोलना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मोना, यार तुम जानते हो इन्हें? हाँ भी और ना भी। मिस्टर राज यहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी वाइफ है मोना। काफी परेशान है आजकल। मिस्टर राज के दोनों किडनी फेल हो चुकी है। व्हाट? शी इज गोइंग थ्रू हेल दिस डेज। आशीष, गिव मी 2 मिनट्स सर, मुझे कॉल करना है। या श्योर। सुनो, परवेज यार मोना, डोंट वरी कुछ करते हैं। मोना जी, राज को ऐसे देख हम सभी को तकलीफ है, पर क्या है कि बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता। राज की तबीयत की फिक्र हमें भी है, पर जैसे जैसे उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है बिजनेस गिरता जा रहा है। सर मुझे अपनी इंडस्ट्री पे पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारा डिसीजन तो फाइनल है, फिलहाल हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी, चलिए। मैम, परवेज सर आए हैं आपसे। परवेज, अच्छा लगा तुम्हें देख के। मुझे भी। अच्छी है। घर से लेकर आती हूँ, ऑफिस की अच्छी नहीं लगती। मोना मुझे शेयरिंग दे दो अपनी कंपनी में। क्या? ऐसी चाय पीने को डेली मिलेगा। परवेज, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी से इन्वेस्टर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अब जो जितना विड्रॉ कर रहा है मैं उतना ही इन्वेस्ट करूंगा। परवेज, आई एम नॉट श्योर इफ दिस कंपनी विल रन टुमारो और नॉट। ऐसे में मैं तुम्हें शेयर कैसे दे सकती हूँ? डोंट वरी मोना, बिजनेस में भी अच्छा करता हूँ। लेकिन परवेज, तुम डन समझो। थैंक यू, कल से 4 कप चाय एक्स्ट्रा लेके आना,
वो क्या है ना, मुझे चाय कुछ ज्यादा ही पसंद है। सवाल 4 लाख एम्प्लॉय का नहीं है यार। बीएससी एनएससी रुपीज ये सब कक्कर के साथ आईसीयू में है, कुछ कर। ये कंपनी टेक ओवर कर लो तुम। और सुनाइए जगदार साहब, कैसी चल रही है आपकी वो छापेमारी? मार्केट ठंडा है, बहुत ठंडा है। अरे ठंडा है कहीं गवर्नमेंट ने आपके ब्लैक मनी पे टैक्स लेना तो शुरू नहीं कर दिया ना? वो क्या है ना बांदल साहब, कि आजकल बैंक वालों को कुछ ज्यादा ही सैलरी मिल रही है, भूख ही नहीं लगती। अगर किसी को भूख लगे तभी वो हड्डी इधर उधर ढूंढेगा ना। गलत सोच रहे हैं आप, बात वैसी नहीं है। वो क्या है, सेहत के लिए थोड़ा डाइटिंग करना भी जरूरी होता है। लाश को आप 2 दिन घर पे छुपा सकते हो, लेकिन 3रे दिन उसकी बदबू नहीं छुपा सकते। आपने कुलकर्णी को लीड दिया, रामनाथ परदेसी का, उसने 100 करोड़ रुपए उठा लिया। मुझे यकीन है कि आपको आपके ब्रेकफास्ट के लायक तो पैसा जरूर मिला होगा। लेकिन उसने तो 20 करोड़ बताया था। इसका मतलब कुलकर्णी ने आपके डाइट का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा था। ये चिंदी काम करना छोड़ दीजिए। लगता है आप आपके सीनियर्स को देखकर कुछ सीखते नहीं है। ये डाइट का चक्कर छोड़ दीजिए, कभी हमारे साथ बारात में भी खाना खाइए, सेहत के लिए अच्छा है। जरूर आइए। Have a drink? No thanks, I don't drink. Okay. You carry on guys. Hello. Mukesh. US में अपनापन नहीं था, अपनों की कमी खल रही थी। तभी वापस आ गए। हाँ ये वही घड़ी है ना? हाँ अच्छा लगता है मुझे इसे पहनकर। आज भी इसमें वही चमक है। लेकिन वक्त फीका पड़ चुका है। हेलो। हाय मिसेस राज। हाँ। वी हैव सम गुड न्यूज। हमें एक डोनर ने कांटेक्ट किया है। कौन है वो? वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता मैम। एंड वी आर गोना ऑपरेट टुनाइट। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू परवेज। तो मिल गया डोनर। हाँ बट वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, ऑपरेशन आज ही है। तुम हॉस्पिटल जाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। थैंक यू मोना। कुछ फीका नहीं पड़ा है, वक्त अब भी तुम्हारे साथ है। मोना बोलो। पिंकी राज को डोनर मिल गया है, पप्पा ने मेरी सुन ली। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। परवेज एक फरिश्ता बनकर आया और अब बिजनेस में भी सब कुछ ठीक हो रहा है। अपना परवेज। हाँ अच्छा चल मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। हाय कैसा रहा दिन? अच्छा था। दो टाइम मैं खोल देती हूँ। आज खाने में क्या है? वही रोज का, नथिंग स्पेशल, मंथ एंडिंग जो है। मैं अभी मोना से ही बात कर रही थी। यू नो व्हाट, राज को डोनर मिल गया है। अच्छी बात है। मैं सोच रही थी हमें उसके साथ होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम भी चलो,
वो तो भला हो परवेज का। क्या? हाँ, वो कह रही थी कि परवेज ने हेल्प किया। क्या हुआ? परवेज मुकेश का है यार, हॉस्पिटल में थोड़ी तबीयत खराब है। क्या हुआ? हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में? आदित्य हॉस्पिटल। क्या हुआ मुकेश को? वो हॉस्पिटल में क्यों है? चलो बताता। कपिल, कपिल साले, तुझे यह बात पता थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? यार, हमने समझाने की बहुत कोशिश की थी। आशीष, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं किडनी दूंगा। क्या? Are you mad? तू समझता क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से लाखों लोगों ने बैसाखी छोड़ अपने पैर पे चलने की कोशिश की है। ऐसे में अगर तुम्हारे कदम लटखड़ा है ना, तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होगा। मुकेश, लगभग 2 लाख लोगों को किडनी की जरूरत है, उनकी जरूरतें तो भगवान भी नहीं पूरी कर पा रहा है। तू भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? आशीष, मैं भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यार, सही कह रहा है वो। देखो, राज को बचाना ही होगा। That's it. बस, मैंने कह दिया तो कह दिया। इसके आगे नो आर्ग्यूमेंट्स, नो टॉक।
कपिल, कपिल एक मिनट सुनो, तुम यहाँ कैसे? आई मीन सब ठीक है? और पिंकी कहाँ है? सब कुछ ठीक है, और एज यूजुअल तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। हाँ प्लीज कपिल, क्या बोले जा रहे हो? प्लीज यार मोना, इतनी भोली मत बन। हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? प्लीज कुछ बोलो, पिंकी कहाँ है? तू क्यों परेशान हो रही है? तेरा राज तो ठीक है ना, मर तो मेरा भाई रहा है ना। I'm not happy, not at all. क्यों किया तुमने ये सब? समझते क्या हो अपने आप को? मुझसे बदला ले रहे हो या मुझ पे एहसान करके मेरा मसीहा बनना चाहते हो? बस करो मोना, प्लीज बस करो। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया है और ना ही मसीहा बनना चाहता हूँ। मैंने तो बस कक्कड़ इंडस्ट्री से जुड़े लाखों एम्प्लॉयज की उम्मीदों को और मेरे भारत विकास के सपने को टूटने से बचा है बस। लेकिन मुकेश, नहीं हो मेरी जिंदगी में, फिर भी तुम हो। ये ठीक नहीं है मुकेश। तुम दूर रहो मुझसे प्लीज, तुम्हें शायद मुझसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल के एक कोने में मोहब्बत आज भी है तुम्हारे लिए। मैं जो कर रहा हूं वो मेरी मोहब्बत है, मगर दूसरे एक कोने में नफरत भी। तुम दूर रहो मुझसे, मेरी मोहब्बत को मेरे पास रहने दो। तुम पास आओगी तो कहीं मेरी ये नफरत ना झाक जाए। मुकेश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। एक तरफ तुम मोना के आंखों में आंसू नहीं देख सकते और दूसरी तरफ वही मोना तुम्हारे सामने है तो तुम उसे रुला रहे हो। पिछले 4 सालों में हम में से किसी ने भी मोना को समझने की कोशिश की नहीं ना? फिर मुझे लगता है इन दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो मुकेश, जो भी हुआ सब मेरी गलती थी, इसीलिए तुमसे बात नहीं की, खुद को दूर कर दिया तुमसे। उस रात जब मैं राज से मिली तब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था, बिजनेस मीटिंग, डिनर और जो भी हुआ था मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी, इसलिए खुद को तुमसे दूर कर दिया। मोना, I know it sounds too selfish. हमारे बीच जो हुआ, I just hope you are able to forgive me. Please, मोना, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। हम्म,
ये एक एक्सीडेंट था मुकेश, और मैं नहीं चाहती थी कि इससे होने वाला कोई भी इमोशनल नुकसान तुम्हें छू पाए। फीलिंग्स तो हम दोनों की हर्ट होनी ही थी, क्योंकि गलती मेरी थी। लेकिन राज कोई भी बहाना बनाकर मुझसे पीछा छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मैं भी तुम्हें ऐसी मोना नहीं देना चाहती थी जो मोना। शायद तुम मुझे पूरी तरह समझ नहीं पाई। एक बार, बस एक बार कह के तो देखती। मुकेश, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब प्लीज अपने लिए भी कुछ करो। मैं अपने लिए कर रहा हूं ना, बस मेरे सपने बदल गए। मेरा सपना है कि मैं करोड़ ड्रीमर्स को उनके ड्रीम्स को अचीव करने में उनकी मदद करूं, जिसको जो बनना है, जो करना है, जैसे जिंदगी जीनी जी ले। मोना, मैं उनका साथ देना चाहता हूं। लगता है तूफान गुजर गया। परवेज, मैडम चलिए, राज सर आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। Next, anyone has any doubt? सर, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन जूते बनाना चाहता हूँ। जूते बनाना चाहते हैं? Yes, sir. That's unique, and I like it. Guys, इनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिल में ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस उनको एप्रोप्रिएट नहीं लगते। जैसे इनके दिमाग में जूते बनाने का ख्याल आया है, वैसे ही किसी और के दिमाग में आया होगा, तभी बाटा है और तभी। जरा सोचिए, अगर यही बात मैं और आप आज से 15 साल पहले अपने पेरेंट्स से कहते तो कितने जूते पड़ते। लोग तरसे हैं, इतर सी है खुशबू तेरी, तू लत है आशिकों के इश्क की।